गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज मावरे इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे ग्रामर का नेक्स्ट चैप्टर, क्या है, आर्टिकल। और गाइस, हम लोग आर्टिकल्स देखेंगे कि कहाँ यूज किए जाते हैं और आर्टिकल्स कहाँ यूज नहीं करना है ना। तो ये आप लोगों के ना केवल एग्जामिनेशन के लिए बल्कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी हम लोग इसे प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे अभी जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं, पटवारी के हो या जो भी हो, तो उसमें भी ये बहुत यूज होता है क्योंकि ये आप लोगों को आता है, तो इसे आप ध्यान दें प्रॉपरली। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं आर्टिकल, आर्टिकल होता क्या है। यस, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, क्या, एक डेफिनेट जिसमें आता है द, और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल जिसमें आता है ए और एन, है ना। तो ए और एन मोस्टली सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को द के यूजेस एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। तो द के जो यूजेस है वो बहुत सारी जगह पे किए जाते हैं। तो इसका हम सबसे पहला यूज देखेंगे, क्या, ऐसे यूज नंबर फर्स्ट, ऐसे किसी नाउन के सामने जिसका जिक्र सेम सेंटेंस में पहले भी किया जा चुका हो। यस, है ना। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए, आई हैव ब्लैंक डॉग एंड ब्लैंक डॉग इज डेंजरस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर आई हैव अ डॉग, है ना। यहाँ क्या आएगा, मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव अ डॉग। एंड अब दूसरी बार डॉग के पहले हम लोग द लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम उस डॉग के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास एक कुत्ता है, वह बहुत खतरनाक है। तो क्या होगा, आई हैव अ डॉग एंड द डॉग इज वेरी डेंजरस, है ना। तो यहाँ इस तरह से द का यूज होता है जिस चीज के बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं, है ना। अब दूसरा यूज जो है इसका वो होता है प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, मतलब जो वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे द फ्लूट, है ना, द वीणा, द गिटार, तो इनके सामने हमेशा क्या लगाया जाता है, द। उसी तरह से इसका जो थर्ड यूज हम लोग देखेंगे, रिलीजियंस या फिर होली बुक्स के साथ। अब रिलीजियन मीन्स द हिंदू, द मुस्लिम, द कुरान, है ना। उसी तरह से होली बुक्स, द रामायण, द महाभारत, द गीता, इस तरह से हम लोग हॉली बुक्स के पहले क्या लगाते हैं, द। अब नेक्स्ट यूज हम लोग देखेंगे द का, वो है क्या, नेशनलिटी के साथ। नेशनलिटी मतलब क्या होता है, नागरिकता। ये फोर्थ नंबर यूज है इसका, नागरिकता दर्शाने के लिए। जैसे दे आर द इंडियंस, है ना, दे आर यूरोपियंस, इस तरह से जब वो पूरे नेशनलिटी को दर्शा रहे हैं। ये और फिफ्थ यूज हम लोग देखेंगे इसका, क्या, ट्रेन्स, सिप्स और एरोप्लेन्स नेम के पहले, है ना। जब भी कोई ट्रेन की बात हो, जैसे द पंजाब मेल, द हितवाद में, है ना, इस तरह से। उसी तरह से और चीज हमने देखा था, क्या, ये तो हो गया ट्रेन्स नेम। उसी तरह से हम लोग बोले कि एरोप्लेन्स, है ना, तो एरोप्लेन में द किंगफिशर, यस। और सिप्स में देखे तो द टाइटैनिक। तो इस तरह से इन नामों के पहले भी हमेशा क्या यूज होता है, द, है ना। और नेक्स्ट यूज सारी यूनिक चीजें, जैसे द सन, द मून, यस, इस तरह से। ये हो गया इसका सिक्स यूज। और सेवन्थ यूज हम लोग देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री के पहले। तो जब भी गाइस हम लोग सुपरलेटिव डिग्री की बात करें, सुपरलेटिव डिग्री मतलब जहाँ आपकी किसी के गुणों को हाईएस्ट बताना हो या सबसे लोएस्ट बताना हो, जैसे वह क्लास में सबसे लंबा है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज द टॉलेस्ट इन क्लास, यस। उसी तरह से नेक्स्ट यूज हम लोग देखेंगे इसका, क्या, कि ऑल फोर्स्ड और कोर्ट, मतलब जो हमारे फोर्स आर्मी होते हैं या फिर कोर्ट जो भी होते हैं, फोर्स आर्मी, जैसे कैसे बोलेंगे हम लोग, द एयर फोर्स, है ना, द नेवी, नेवी, इस तरह से। और सेकंड यूज हमने देखा कोर्ट, कोर्ट कौन से हो जाएंगे, जैसे द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से इनके पहले भी क्या लगाया जाता है, द। नेक्स्ट यूज हम लोग देखेंगे इसका कम्युनिस्ट पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टीज, है ना, जो होती है, जैसे द कांग्रेस, द बीजेपी, इस, तो इनके सामने भी हम लोग क्या लगाते हैं, द। अब नेक्स्ट यूज हम लोग देखेंगे द का बॉडी पार्ट्स, यस, जो हमारे शरीर के जो भी पार्ट्स होते हैं उनके पहले, नॉर्मली जब हम कोई सेंटेंसेस में इन्हें बोलते हैं तो इनके साथ द लगाते हैं। जैसे क्या, जैसे एग्जांपल देखिए, ही हिट देम ऑन द हेड, मतलब उसने उन्हें हेड पर चोट पहुंचाई, है ना। तो द हेड, द एल्बो, द नी, इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग यूज करते हैं इसके लिए, द के लिए, है ना, मतलब ये हो गया। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर्स, यस, न्यूज़पेपर्स मींस द दैनिक भास्कर, द न्यू, द हितवाद, इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर क्या होता है, न्यूज़पेपर की बात आती है, उसके पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिया, तो आप यहां क्या यूज करेंगे, द। तो इस तरह से गाइस ये द के मोस्ट नॉर्मली क्या है, कॉमन यूजेस थे,
ना। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट यूज ए और एन, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, इनडेफिनेट आर्टिकल। यस, तो बहुत ही ज्यादा इजी है गाइस। तो सबसे पहले ए और एन दोनों का मीन्स क्या होता है, एक। तो जहां पर काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो उनके साथ हम लोग ए या एन का यूज करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, देखें क्या, ऐसे नाउन जिनका प्रोनंसिएशन वॉबल से स्टार्ट हो वहां हम लोग क्या लगाते हैं, एन। अब वॉबल मीन्स क्या होता है, आप लोग AEIOU अकेले इन्हें वॉबल नहीं मान सकते, हम लोग हिंदी प्रोनंसिएशन पे आएंगे। हिंदी प्रोनंसिएशन मतलब हिंदी में कितने वॉबल होते हैं, 12। कौन से, अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अः। तो ऐसे नाउन जिनका उच्चारण इनसे स्टार्ट हो, है ना, तो आप वहां क्या लगाएंगे, एन। जैसे देखिए, आई हैव ब्लैंक अम्ब्रेला, तो क्या आ रहा है, अम, अम आ रहा है हमारी कैटेगरी में, तो यहाँ पे लगाएंगे आप एन। यस, उसी। और अब हम लोग देखेंगे यूज ए की, है ना। तो ए का मतलब जी एक होता है ना, लेकिन इसका जो यूज होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, कैसे, देखिए। यस, तो हमने देखा कि ऐसे नाउन जिनका उच्चारण कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से, उनके साथ हम लोग क्या लगा रहे हैं, एन। तो अब ऐसे नाउन जिनका प्रोनंसिएशन वॉवल से स्टार्ट ना हो उनके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, ए। अब वॉवल कौन से, वही वाले आ आ ई ई ऊ ऊ से लेकर आहा तक। तो इनसे यदि इनका उच्चारण स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप क्या लगाएंगे, आ। जैसे देखिए, मेरे पास एक बैग है, तो क्या होगा, आई हैव अ बैग। यहाँ पर बैग बा आ रहा है, तो बा हमारे उसमें नहीं आता। उसी तरह से सी इज ब्लैंक वन आइड गर्ल, तो क्या हो गया, यहाँ पर देखिए गाइस, ब्लैंक के बाद वॉवल ओ तो आ रहा है लेकिन उसका उच्चारण जो है वा हो रहा है, तो यहाँ भी आप क्या लगाएंगे, ए। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको हिंदी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी इज अ वन आइड गर्ल, है ना। देखिए, कई बार हम लोग वहां दिखा रहता है कि क्या, बी आर ब्लैंक यूनिटी, यहाँ भी यू आ रहा है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन कहाँ से चालू हो रहा है, यू से, तो यहाँ भी क्या लगेगा, बी आर अ यूनिटी, है ना। इसी तरह से आई हैव ब्लैंक डॉग, तो डॉग, है ना, हमारा उच्चारण कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ भी, आ। तो इस तरह से ए एन और दा के यूजेस आप लोगों ने देखा। अब हमने आपसे कहा था कि हम ये भी बताने वाले हैं आपको कि इनका यूज कहाँ नहीं किया जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, सेंटेंस में हमारे सामने दिया रहता है चार ऑप्शन, ए एन द और नो आर्टिकल, और हम लोग क्या करते हैं गाइस, कुछ ना कुछ वहां आर्टिकल लगा ही देते। तो आपको आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ नहीं करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इसका है जो यूज आपको नहीं करना है वो क्या है, मटेरियल्स नाउन के साथ। जैसे कोई मटेरियल नाउन के बारे में, जैसे मेरे पास सोना है, तो हम कभी नहीं बोलेंगे आई हैव अ गोल्ड, है ना, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। गोल्ड क्या है, एक मटेरियल नाउन, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव गोल्ड, है ना। उसी तरह से जो हम खेलते हैं वो खेलों के नाम के पहले, जैसे यार मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले द क्रिकेट, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे, है ना। क्या होगा, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, तो द क्रिकेट कभी नहीं बोलेंगे, क्रिकेट, है ना, फुटबॉल, मतलब खेलों के नाम के पहले भी द का यूज नहीं किया जाता है। उसी तरह से जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, है ना, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, यस, है ना, मैथमेटिक्स, तो उनके साथ हम लोग क्या होगा, कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ तो आई हैव रीडिंग द हिंदी या आई हैव रीडिंग अ हिंदी, ओके। इसके पहले कभी आप आर्टिकल का यूज ना करें। नेक्स्ट यूज है हमारा मंथ, मतलब महीनों के नाम के पहले और दिनों के नाम के पहले भी आप कभी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। जैसे आप कभी नहीं बोलेंगे कि भाई मैं जनवरी में तेरे घर आ रहा हूँ, तो आई एम कमिंग योर होम ऑन द जनवरी, है ना, इट इज टोटली रॉन्ग। तो क्या होगा, मंथ के नाम के पहले भी आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है। उसी तरह से दिनों के नाम के पहले, है ना, जैसे मैं मंडे को तेरे घर आऊंगा, आई विल कम योर होम ऑन द मंडे, नो, है ना, आई विल कम योर होम ऑन मंडे, तो इनके पहले भी द का यूज नहीं होता है। तो इस तरह से गाइस आप लोगों ने देखा है कि हम लोग ए एन द का यूज कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अभी जो पटवारी की एग्जाम फाइट करने वाले उनके लिए। तो इस वीडियो को जरूर देखें, एक एक चीजों को लिखें और उसकी प्रैक्टिस करें, तो आई होप यू विल बी गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, सो विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरह से हम आगे भी वीडियोस बनाएंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।